सो गाइस, इस टाइप का एडिटिंग करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साइड में एक बेल का आइकॉन भी आता होगा तो उस बेल के आइकॉन को क्लिक कर देना और ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम लोग वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हो, सब्सक्राइब वगैरह भी नहीं करते हो। तो गाइस, सबसे पहले तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है ओपन करना है, तो डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर में फ्री डाउनलोड हो जाता है पिक्सल लाइव एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, सिंपली यहाँ पर न्यू टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इसे डिलीट करने के लिए ऐसे क्लिक करना और ऊपर में डिलीट का आइकॉन बन रहा होगा, तो उसे क्लिक करके ओके को क्लिक कर देना। सो गाइस, अब जो है ऊपर में एक प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, तो इस प्लस के आइकॉन को जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आता है, तो उसे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर गैलरी में जो भी इमेज है वो सभी शो होने लगेगा, तो यहाँ पर ये वाले पीएनजी इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, इसे हल्का सा ऐसे बड़ा कर देना, इसके बाद सेंटर में अच्छे से एडजस्ट कर देना। इसी पीएनजी इमेज में जो है अपना इमेज ऐड करेंगे और अच्छे से एडजस्टमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे इस वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। सो गाइज, अब जो है फिर से प्लस के आइकॉन को क्लिक करना और फिर से जो है फ्रॉम गैलरी को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर अपना इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना, मैं ये वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे यहाँ पर राइट के आइकॉन को क्लिक कर दूंगा। गाइज, यहाँ पर सेंटर में रख लूँगा, तो थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे इसे। ऊपर रखने के बाद यहाँ पर नीचे में चले जाना है गाइज, राइट साइड में कोने में नीचे में देखना, एक सर्कल टाइप का ऑप्शन बन रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा, तो इस ऑप्शन को जो है क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, तो यहाँ पर नीचे में चले जाना। नीचे में जाने के बाद यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव नाम का एक ऑप्शन होगा, आइकॉन भी देख रहे होंगे कैसा बनाएं, तो इस ऑप्शन को जो है क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से आ जाता है, इसमें इमेज को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, तो ये जो है इमेज अच्छे से नहीं हो रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे इनेबल करना, तभी ये अच्छे से कुछ इस टाइप से होगा। तो इसे अच्छे से जो है एडजस्ट कर लेना, जैसे रेड कलर का पीएनजी है उसी के शेप में अपने इमेज को अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। इसके बाद ऊपर में राइट का आइकॉन दिख रहा होगा, तो इस राइट के आइकॉन को क्लिक करना। अब यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हुआ होगा, तो इधर उधर खिसका के अच्छे से एडजस्टमेंट कर सके हो, जैसे कि मैं जो है कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। सो गाइज, इसी टाइप का सेम स्टेप है, और दो इमेज को ऐड करना है और रेड कलर की पीएनजी इमेज में अच्छे से एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले प्लस के आइकॉन को क्लिक करना, फिर से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन को क्लिक करना, यहाँ पर दूसरे इमेज को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं करना है, तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लेना है, छोटा बड़ा करके देख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर फिर से जो है राइट साइड के कोने में चले जाना है, कोने में एक सर्कल का आइकॉन बन रहा होगा ये वाला, तो इसी आइकॉन में क्लिक रहने देना। अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑप्शन में चले जाना है, इसे इनेबल कर देना, और यहाँ पर रेड कलर का जो पीएनजी इमेज है उसी के साइज में कुछ इस टाइप से जो है एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद ऊपर में राइट का आइकॉन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकॉन को क्लिक करना है और इस इमेज को जो है डन कर लिया। तो यहाँ पर इस इमेज को जो है डन कर लिया। अब फिर से जो है और एक इमेज ऐड करना है, तो सिंपली प्लस के आइकॉन को क्लिक करना और फिर से जो है फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन को क्लिक करना। तो गाइज, यहाँ पर मैं दूसरे इमेज को ऐड करूँगा, तो मैं उस इमेज को जो है खोज लूँगा, इसके बाद यहाँ पर इसे जो है सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं करना था, तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर दिया। सेम स्टेप है गाइज, उसी टाइप से एडिटिंग करना है, तो यहाँ पर राइट साइड के कोने में जाना, उसी सर्कल वाले ऑप्शन में फिर से पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इसे जो है इनेबल कर देना सबसे पहले, नहीं तो कुछ इस टाइप का होने लगेगा। तो सबसे पहले इनेबल करना और अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। अब जो है यहाँ पर प्लस के आइकॉन को क्लिक करना है, तो क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर इस इमेज को जो है सेव करना है। सेव करने से पहले इस इमेज को पीएनजी इमेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले राइट साइड के कोने में जाना, कोने में ये वाला ऑप्शन बन रहा होगा, तो ये वाले ऑप्शन में जाना। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन होगा, ये ऊपर में देख सकते हो, इस ऑप्शन को जो है क्लिक करना, जिससे कि बैकग्राउंड का कलर जो है हट जाता है, ये पीएनजी इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पीएनजी बन चुका है। अब यहाँ पर इस इमेज को सेव करना है। सेव करना है तो यहाँ पर शेयर वाला आइकॉन है, इस शेयर वाले आइकॉन को जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी लिखा होगा, तो उसे क्लिक कर देना और ये जो है अपने गैलरी में जो है सेव हो चुका है। अब जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है ओपन करना है, तो सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेना और ये वाले बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर साइड में जाना, साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, इस ऐड फोटो के ऑप्शन को जो है क्लिक करना है और यहाँ पर जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जो क्रिएट किए थे
थे पीएनजी इमेज, तो उसी पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लेना है। तो ये वाला हो गया, इसे ऐड कर लिया, इसे हल्का सा ऐसे बड़ा कर लेना और नीचे साइड में अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। इसके बाद गाइज यहाँ पर साइड को क्लिक करना, साइड में क्लिक होने के बाद साइड में ऑप्शन आ जाता है ये वाला ऐड, तो इसी ऐड ऑप्शन को जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना इमेज को जो है ऐड कर लेना है। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है पहले से मैं रिमूव कर चुका हूँ, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं जानते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से बहुत ईजिली और सिंपल तरीके से एक मिनट में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऊपर में ऐसे बैठा लेना है, बैठाने के बाद यहाँ पर साइड को क्लिक करना, साइड में क्लिक होने के बाद फिर से ऐड वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन को जो है फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक पायरोट पीएनजी इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में जाना, इस पीएनजी इमेज का डाउनलोड लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, तो इस पायरोट पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लेना है और यहाँ पर सर के पास कुछ इस टाइप से रख लेना है जिससे कि अच्छा लगे, तो कुछ इस टाइप से रख लेना अपने सर के पास। सो गाइज इस पायरोट पीएनजी इमेज को अच्छे से सर के पास लगा लेना है और अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर फिर से जो है साइड को क्लिक करना और फिर से जो है ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और एक बर्ड वाला पीएनजी ऐड करना है। तो सिंपली ये वाले बर्ड पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे राइट साइड के कोने में कुछ इस टाइप से रख लेना है, तो यहाँ पर छोटा कर लेना, छोटा करने के बाद कुछ इस टाइप से रख लेना है। तो गाइज इस बर्ड पीएनजी इमेज को अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, छोटा बड़ा करके और अच्छे से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकन बन रहा होगा, उस राइट के आइकन को क्लिक करना है और इस इमेज को जो है डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस आ जाएगा मेन पेज। अब यहाँ पर इस इमेज को जो है सेव करना है अपने गैलरी में, तो यहाँ पर ड्रॉ के ऑप्शन में चले जाते हैं, ड्रॉ के ऑप्शन में चले जाना और एक बार ड्रॉ का ऑप्शन आएगा उसे भी क्लिक कर देना और यहाँ पर थ्री डॉट आएगा, इस थ्री डॉट को क्लिक करना और ऊपर में सेव इमेज का ऑप्शन आएगा तो उसे क्लिक करके जो है इमेज को सेव कर लेना। यहाँ पर अगर आप चाहते हो लाइट रूम में एडिट करना तो हल्का सा कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ा इसलिए मैं जो है कलर एडजस्टमेंट लाइट रूम में नहीं किया। तो यहाँ पर दो वीडियो और देख सकते हो, दोनों में से कोई एक क्लिक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का एक लाइक तो कर ही देना क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो।